तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें हंगर सिरप के बारे में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि भूख को बढ़ाने के लिए, खानों को पचाने के लिए और वेट गेन करने के लिए। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं, किस तरह की समस्या में आपको इसे लेना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसे कि फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जब आपको भूख कम लगती है तब इसे दिया जाता है, जैसे आप हो गए या आपके बच्चे हो गए छोटे, या जैसे कि थोड़ा सा ओल्ड एज है तभी भी इसे दिया जा सकता है। तो अगर जब आपको भूख कम लगती है तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और आपका जैसे कि अगर आपका खाना नहीं पच गया तो आपको जो कि भूख नहीं लगेगी। तो जैसे कि जो समस्या है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, अगर आपका खाना नहीं पचेगा तो आप जो कि खाना नहीं खाएंगे, तो उस समय इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप बहुत कमज़ोर हैं और आप जो कि बहुत जल्दी ही जो कि थक जाते हैं, जैसे कहीं आपको चढ़ना उतरना रहेगा उसमें थक जाते हैं, या कोई काम करते करते आपको ज़्यादा ही तकलीफ होने लगती है एज कम्पेयर टू आपके जितने आपके जो बराबर के लोग रहते हैं उनसे। तो जैसे आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, आपको चक्कर आता है, कमज़ोरी है, या आपको जैसे कि वेट कम है आपका, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस्तेमाल कर रहे, अगर आप अडल्ट हैं तो आपको इसे 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार लेना है। और जैसे कि अगर छोटा बच्चा है 2 साल के ऊपर से और 6 साल के अंदर का है तो उसे 1 चम्मच 3 बार दे सकते हैं लगभग। और जैसे कि 7 साल से लेकर 14 साल के अंदर का है तो उसे 1 चम्मच से 2 चम्मच दोनों में से कोई भी आप प्रीफर कर सकते हैं डॉक्टर के अनुसार, तो आप उसे दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये क्या करेगा, आपका जो कि भूख बढ़ाएगा और आपका खाना बचाएगा, और साथ में जो कि आपका वेट गेन करेगा जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, जो बाकी आपको जो बार बार इन्फेक्शन वगैरह हो जा रहे थे तो वह इन्फेक्शन नहीं होंगे, और आप काफ़ी जो कि इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो जो आपको चक्कर वगैरह आ रहे थे वह नहीं आएंगे। तो इससे जैसे आप लेना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ताकतवर हो जाएंगे कि जो आपको जो बार बार इन्फेक्शन वगैरह हो रहा था, बीमार हो जा रहे थे या छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाए, सर कि आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जा रहे थे तो उससे आपको जो कि आपको इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको छोटे इन्फेक्शन नहीं होंगे। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने डोजिंग ज़्यादा लिया है, डोज ज़्यादा लिया है, तो हो सकता है ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिले, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और जैसे कि आपका जो स्टूल बहुत हार्ड होगा, मुंह में पानी की कमी होगी, आपको ज़्यादा नींद आएगी, और आपको जो देखने की क्षमता है वह थोड़ा कम हो सकती है, और ज़्यादा आपको थकावट सी महसूस होगी। स्टार्टिंग में ऐसा होता है जब आप इसको लेते हैं, और जैसे एक बार आपका वेट गेन हो जाता है तो आप इसे बंद कर दें तो सब तकलीफें रहती है दूर हो जाती हैं। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मेडिकल में अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेडिसिन के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।